उसको पैसा किसी और जगह से आता है, उसकी प्रेरणा कहीं और से आती है, उसका समर्थन कहीं और से आता है। इतने सारे धागों की गुठवाड़ में हमको उलझा देते हैं वो लोग कि कभी हम आखिर केंद्र बिंदु तक पहुंच ही ना पाए। आज भी हम गए थे यहाँ के जिला अधिकारी को एक निवेदन देने के लिए, उनकी मजबूरी हो सकती है, लेकिन जिस तरह से उन्होंने हमें कहा कि प्रक्रिया होती है, उसमें वक्त लगता है, संशोधन होता रहता है, उसको वक्त देना जरूरी होता है। कितना वक्त देना जरूरी होता है? 6 साल हो गए। ऐसी कैसी जटिल समस्या है कि जिसका हम संशोधन भी नहीं कर सके, 6-6 साल तक हमें उसके सूत्रधरों के बारे में बात ना मालूम पड़े, इतने सारे उलझे हुए धागे हमें मिल ही ना पाए। ऐसी कौन सी जटिल और अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र है कि जिसको हम सुलझा नहीं सकते? यही बात आज बापू की हत्या में भी, बापू की हत्या के बारे में जिस प्रकार से दुष्प्रचार किया गया, उसको सार्थक बनवाने के लिए, उसको जरूरी दिखाने के लिए, आज भी मुझे सबसे पहले उसी बात के सवालों का जवाब देना पड़ता है। आज भी युवाओं के मन में उसी से शंका कुशंकाएं डाली जा रही है। 70 साल से ज्यादा हो गए, लेकिन उसके ऊपर किसी भी प्रकार की क्लैरिटी आज तक नहीं आई। ये इसलिए है कि वो कृत्य में ही उलझा देने के लिए ऐसे सारे बातें मिला दी जाती है। वो जो खूनी परंपरा है, प्रणाली है, जो खूनी संस्था है, उसकी ये कार्यशैली, ये समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है। आज इतने साल हो गए, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि बापू की हत्या होने से 2 दिन पहले तक हथियारों के पास हथियार भी नहीं था बापू की हत्या करने के लिए। सिर्फ 2 दिन पहले बापू की हत्या करने के लिए सक्षम हथियार नथुराम गोडसे के हाथ में आया था। ये इतने बड़े खून में ये सबसे चौंका देने वाली बात ये है कि जो हत्यारा था वो पूना से आया। हत्यारे की हत्या की प्रेरणा देने वाली संस्थाएं कहीं और से आई, सूत्रधार कहीं और था, पैसा कहीं और से आया, जो विक्टिम था वो कहीं और था, और हत्या करने के लिए हथियार ग्वालियर से आया। आज भी आप देखिए, दबोलकर का खून हो, गौरी लंकेश का खून हो, इन सब में यही साम्यता आपको दिखती रहेगी। हर चीज में उन्होंने वही कार्यशैली का प्रयोग किया है, हर हत्या में उन्होंने उसी तरह से काम लिया है। और फिर भी हमारी जो संस्थाएं हैं, जो पुलिस दल है, जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, वो कहती रहती है कि बहुत जटिल है ये, इसको वक्त तो लगेगा ही। वक्त हत्या के खून को सुलझाने के में नहीं लग रहा है, वक्त उसको उलझा देने के लिए लग रहा है। वो जानबूझकर उसको उलझा देने की कोशिश करते हैं, इसीलिए उनको ये वक्त लग रहा है, क्योंकि वो उनको ये करना है, ताकि उस वक्त में बाकी की जनता के मन में वो लोग उलझने पैदा कर सके, उनकी समझ में वो अपनी समझ प्रेरित कर सके। वो वक्त उनको चाहिए, उसी वक्त का कारण है बापू की हत्या के बाद नथुराम गोडसे ने जो स्टेटमेंट किया, और जिस स्टेटमेंट के ऊपर से आज भी ये कहा जाता है कि नथुराम गोडसे देशभक्त था और उसको उसकी मजबूरी थी बापू की हत्या करनी, क्योंकि उसे देश को बचाना था बापू से। ये सारे जो विचार थे वो हत्या करने के बाद मिले हुए वक्त में सोचे गए थे और उनको प्रचारित करने में इस्तेमाल किया गया। यही बात आज भी जो हत्याएं हो रही है उसमें उसी तरह से की जाती है। लोगों के मन में शंका डालना, कुशंका डालना, गैर समझ डालना, ये प्रचार बहुत सिस्टमैटिकली वो लोग करते रहते हैं। इसीलिए ऐसी जो एक प्रक्रिया है, ऐसे जो प्रयास है, उनका महत्व आता है कि हम भी हमारा विचार और हम भी हमारे जो मान्यताएं हैं उसको उतनी ही प्रखरता से लोगों के सामने ले जाया करें। कई बार
ये कहा जाता है। आज तो कई लोगों को ये बात जानकारी नहीं है कि 30 जनवरी को बापू की हत्या करने के पहले 10 दिन पहले 20 जनवरी को यही दल बापू की हत्या करने वही बिरला हाउस में उसी वक्त शाम की प्रार्थना के वक्त पे मौजूद था जब पहला प्रयास इस श्रृंखला में बापू की हत्या का करने वाले थे वो लोग, निष्फल गए। उनका एक मारे करीब पकड़ा भी गया जिसने बम ब्लास्ट किया था, मदनलाल पावा, वो पकड़ा भी गया। उसकी पूछपरछ भी की गई, उसकी तहकीकात भी की गई, उसके पास से बाकी के गिरोह के लोगों के क्लूज भी मिले। फिर भी 10 ही दिन के बाद वही गिरोह के 3 जो नेता थे, नायक थे, वो उसी वक्त उसी जगह पर उसी प्रकार से वापस पहुंच गए और उन्होंने वहीं पर खून कर दिया बापू का, बापू की हत्या कर दी। वहां देखने के लिए, जैसे दबोलकर के केस में अब पता चल रहा है कि निगरानी के लिए कुछ और लोग थे, हथियार पहुंचाने वाले कुछ और लोग थे, और हत्यारा तो सिर्फ उस महज उस वक्त वहां पहुंचकर सारी चीजों को इकट्ठा करके जाके सिर्फ बंदूक से गोली चला कर निकल गया। हर चीज को कंपार्टमेंटलाइज कर दिया गया, उस हत्या की साजिश के हर अवयव को कंपार्टमेंटलाइज कर दिया गया है और वो एक कंपार्टमेंट की जानकारी दूसरे कंपार्टमेंट को नहीं है। हर चीज को सेल में बना दिया गया है, एक सेल इतना काम करेगा, दूसरा सेल इतना काम करेगा, तीसरा सेल उतना काम करेगा, यानी एक सेल पकड़ा जाए तो भी उसके द्वारा दूसरे या तीसरे लिंक तक कोई पहुंच ना सके। बापू की हत्या में भी यही किया जा रहा है। इसीलिए जिस विचारधारा ने, जिस संघ ने बापू की हत्या करवाई, वो संघ आज भी अपने हाथ दिखाकर कह सकता है कि हमारे हाथों पर गांधी के खून के धब्बे नहीं है, नथुराम हमारा नहीं था। पर पूरा गोडसे परिवार जो उसके साथ शामिल था और बचा हुआ था, गोपाल गोडसे ने अपने मरते दम तक ये कहा कि ना सिर्फ नथुराम गोडसे लेकिन हम सब भाई और हमारा पूरा परिवार संघ में शामिल था और हमारे जीवन काल में हम हमेशा उनके साथ रहे और वो हम हमेशा उसके कार्यकर्ता रहे। पर ये उनकी खूबी है कि वॉटर टाइट कंपार्टमेंट्स में ये सारी कॉन्स्पिरसीज वो बंद करके रखते थे ताकि कोई भी छींटे उनके दामन तक पहुंच ना सके, कोई भी आक्षेप उनके ऊपर पहुंच ना सके। यानी अपनी विचारधारा से भी गैर जिम्मेदाराना बर्ताव, कायरता की ऐसी सीमा कि अपने विचारों के साथ भी वफादार रह के उन विचारों के बारे में छाती ठोक करके कहने की उनमें ताकत नहीं है कि हाँ हम उनका द्वेष करते थे, हमें गांधी मंजूर नहीं था, हमने हत्या करवाई उसकी, उससे अच्छी तो वो साधी जो खुलेआम कहती है कि नथुराम को मैं देशभक्त मानती, उससे अच्छी तो वो मीरठ की, उनका नाम मैं नहीं जानता हूं, वो बहन है जो अपना द्वेष निकालने के लिए बापू की प्रतिमा पे गोलियां चढ़ाती। ये तो दम्भी हत्यारे ऐसे हैं कि वो अब कहते हैं कि हम तो हमारे प्रातः स्मरण में भी उनका नाम लेते हैं, हम उनकी हत्या कैसे करवा सकते हैं। पर प्रातः स्मरण में नाम भी तो हत्या करवाने के बाद ही लाए, जीवित थे तब तो नहीं करवाया था, कभी कहीं स्तुति भी नहीं करवाई थी उनकी। यानी अपनी विचारधारा से भी वफादार रहने की बहादुरी उनमें नहीं है। कैसे कायर लोग हैं, छुप छुप के वार करते, छुप छुप के वारदात करवाते, पर हम वो अंधे हैं जो इतने सारे सबूत हमारे सामने होने के बावजूद हम बेध्यान होकर चले जाते हैं और उनके प्रचार में आकर उनकी बातें मानने लगते हैं। ये दोष हमारा है, दोष उनका नहीं है, वो हमारी कमजोरी जानते हैं और उस कमजोरी का सिर्फ फायदा उठाते हैं वो लोग। ये बहुत जरूरी है कि आज क्यों वो लोग इतने सक्सेसफुल हैं ये जानने के लिए हम ये समझें कि वो लोग कितनी आसानी से और कितनी चतुरता से अपना काम करते हैं।
बापू की हत्या के बारे में यह जानकारी लेना बहुत जरूरी है, और इसीलिए जब हम ये समझेंगे कि उन्होंने बापू की हत्या किस तरह से करवाई, तभी जाके हमको पता चलेगा कि आज भी वही प्रणाली से वो लोग उनकी हिंसा की, उनकी द्वेष की जो नीति है उसको आगे बढ़ा रहे हैं, और हम बार बार उसके बलि पड़ रहे हैं। हमारी हमें खुश होने की अगर कोई बात हो तो सिर्फ इतनी है कि आज भी जिस विचार के साथ हम संलग्न है वो विचार इतना प्रखर और ताकतवर है कि वो आज भी उससे घबराते, उनको आज भी हमारे विचार से दहशत होती है, और इसीलिए ये कोशिश करते रहते हैं कि हम विचार करना छोड़ दें, और इसीलिए हमारी जो विचारों की प्रेरणा मूर्ति बनती है उसको खत्म करने की कोशिश वो लोग करते हैं, पर उनको ये मालूम नहीं है कि आकार खत्म होते हैं विचार खत्म नहीं होते, विचार तो प्रखर ही होते जाते हैं, क्योंकि विचारों में एक खुद का जीव होता है, वो अविनाशी होते हैं, उसका विनाश कभी नहीं हो सकता, क्योंकि वो सत्य की बुनियाद पर बनाए गए विचार हैं, वो अर्वाचीन है, वो कोई नए आविष्कार नहीं है, वो अर्वाचीन है, और जब तक मानवता है, जब तक सभ्यता है, तब तक वो विचार टिके रहेंगे, वो कितने भी लाशें बिछा दे, कितना भी खून बहा दे, वो विचार खत्म नहीं होगा, वो विचार प्रबल होता जाएगा, और हर हत्या के साथ ये खूनी परंपरा ही निर्बल होती जाएगी, भले आज हमें पता ना चले लेकिन वो निर्बल होती है, और इसीलिए उनको हिंसा का ज्यादा से ज्यादा सहारा लेना पड़ता है। अहिंसा की विचारधारा को कभी भी ये विचार नहीं आता है कि हम अब हिंसा करें, क्योंकि वो अहिंसा के साथ वफादार होते हैं, अहिंसा उनकी जीवन शैली होती है, उनकी जीवन प्रणाली होती है, और इसीलिए वो टिकती भी है, चाहे बापू का की हत्या वो करवा दे, उसके बाद दभोलकर की करवा दे, और सारे जितने की खून उन्होंने करवाए और अभी भी करेंगे, वो रुकेंगे नहीं, वो खून तो करेंगे, उनकी फितरत खूनी फितरत है, वो खून करने से बाज नहीं आएंगे, क्योंकि उनको ऐसा एहसास है कि वो खून करके बच सकते हैं, हत्यारे पकड़े जाएंगे, पर वो हत्यारा उस विचार का प्रेरक नहीं होता, वो तो उसका वो भी एक विक्टिम ही होता है उस चीज का। नथुराम गोडसे उस विचारधारा का विक्टिम था, उस विचारधारा ने उसको बलि बना दिया, फांसी पर लटका दिया, उसका बचाव नहीं किया गया था, किसी का बचाव सावरकर का किया गया था, पूरा जो गांधी मर्डर केस में डिफेंस काउंसिल बनाया गया था, राष्ट्रीय डिफेंस काउंसिल बनाया गया था, वो सिर्फ सावरकर को बचाने के लिए किया गया था, ना नथुराम को बचाने की कोशिश की गई, ना आपटे को बचाने की कोशिश की गई, ना और किसी भी एक्यूज को बचाने की कोशिश की गई, बचाने की कोशिश सिर्फ सावरकर की गई। क्यों उनको ये करना पड़ा? क्योंकि उसका हाथ था उसमें, ये मैं नहीं कहता, ये आक्षेप मेरा नहीं है, ये आक्षेप कपूर कमीशन में दर्ज है, कपूर कमीशन की रिपोर्ट पढ़िएगा आप लोग, ऑनलाइन अवेलेबल है, जरूर पढ़िएगा, उन उसमें जो बातें उजागर हुई है वो चौंका देने वाली है, क्योंकि उसने बापू की हत्या के पीछे की साजिश के बारे में खोजबीन की थी, और उस साजिश का मकसद क्या था उसके बारे में भी उन्होंने शिनाख्त की थी, आज भी उससे डरते हैं, इसीलिए पिछले साल सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दर्ज की गई थी कि गांधी के मर्डर का इन्वेस्टिगेशन ठीक से हुआ नहीं है, उसको वापस इन्वेस्टिगेट करवाएं। क्यों वापस इन्वेस्टिगेट करवाएं? ताकि जिस तरीके से डभोलकर, पंसारे, गौरी लंकेश, उन सबके खून, कलबुर्गी, उनके खूनों का इन्वेस्टिगेशन को जिस तरह से उलझा दिया है, अगर गांधी के मर्डर के इन्वेस्टिगेशन को वापस वो लोग खुलवा देते हैं और इन्वेस्टिगेशन करवाते हैं, तो अपने तरीके से उस इन्वेस्टिगेशन का नतीजा निकालेंगे वो लोग,
अपनी तरह से उस हत्या की घटना को उलझा देने में कामयाब हो जाएंगे वो लोग। ये मंसूबा समझना बहुत जरूरी है हमारे लिए कि किस प्रकार से उनका उनका दिमाग काम करता है। ये मंसूबा समझना बहुत जरूरी है कि आज भी उस विचार से वो कितने प्रतांडित होते हैं कि उसको कमजोर बनाने के लिए, उसकी हत्या करने के लिए, उसको साइडलाइन करने के लिए वो कितनी कोशिशें करते रहते हैं। आज भी जो लोग मजबूरी में आके नथुराम का बचाव करते हैं वो भी कहीं पर जाके कहते हैं कि हाँ उसने किया, वो ठीक नहीं किया, पर पे हमेशा वो लोग अटकते हैं क्योंकि जब वो पर पे सेंटेंस को खत्म करते हैं तो पर के बाद कुछ होगा ऐसी उत्सुकता हमारे मन में पैदा होती है और उसको उनको यही चाहिए होता है। इसीलिए ये पूरी जो प्रणाली है, कार्य शैली है, उसे समझना बहुत जरूरी है। मैंने आपको कहा कि नथुराम गोडसे को सिर्फ दो दिन पहले, हत्या के दो दिन पहले हत्या करने के लिए हथियार प्राप्त हुआ। उसके सिर्फ एक दिन पहले वो हथियार खरीदने के लिए उसको पैसा मिला। आप सोचिएगा, ये सब चीज सोचिएगा कि किस तरीके से ये होती गई। फिर आज जिस तरीके से खून किए जा रहे हैं उनको जब आप एक साथ देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि वो कार्यशैली कितनी पुरानी और कितनी कसी गई, परीक्षा की गई, टाइम टेस्टेड कार्य प्रणाली है, मोडस ऑपरेंडी है, वो आपको मालूम पड़ेगा। तीन दिन पहले उनको पैसा मिला। पैसा कहां से मिला? तो पैसा बंबई से मिला उनको। पैसा बंबई से लेकर दिल्ली गए, दिल्ली से ग्वालियर गए, ग्वालियर में उनको हथियार मिला 28 तारीख को, 28 जनवरी 1948। अब आप इन्वेस्टिगेशन को देखिए। हम सब ये उलझन में हैं कि दबोलकर साहब की हत्या हुए 6 साल हो गए, आज भी पूरा इन्वेस्टिगेशन हुआ नहीं है, आज भी हमें पता नहीं है कि प्रिंसिपल अक्यूज कौन है, कॉन्स्पिरेटर कौन है, कौन सूत्रधार है। कुछ हथियारों को पकड़े जाने की बात आती है, हथियार सारे खूनों में एक ही था ये बात आती है, पर वो सब चीजें एक कैसे हुई इसके बारे में कोई क्लैरिटी हमें नहीं मिलती है। और यही बात बापू की हत्या से आज तक चली आई, यही चीजों पे शंका आशंकाओं पे हमें उलझाए रखने की ये साजिश उनकी चलती ही जा रही है। ये हमें समझना बहुत जरूरी होगा, तभी जाके हमें पता चलेगा और तभी जाके शायद आगे चल के उनकी इस खूनी प्रणाली को हम रोक पाएंगे। ये बहुत जरूरी है कि उसका प्रतिकार हो, क्योंकि जिस तरह से खून करने के बाद आज महाराष्ट्र में दो धमकियां प्रचलित हो गई है, दाभोलकर बनाए जाएगा नहीं तो पूछेंगे मॉर्निंग वॉक ला जाता का, ये हंसने की बात नहीं है, ये हमारे मन में डर पैदा करने की कोशिश है। सामान्य से सामान्य वस्तु करते वक्त हमारे मन में डर होना चाहिए। कौन जानता था कि मॉर्निंग वॉक ला जाता है का ये प्रश्न पे हमारे मन में कहीं से दहशत पैदा हो जाएगी? पर आज होती है ना, वो दहशत पैदा होती है। कई बार मुझे पूछा जाता है मॉर्निंग वॉक ला जाता था, मैं बोल हमेशा जब भी ये बात मुझे कही जाती है मैं पूछता हूं तुम मुझे मिले नहीं हो लगता है, मेरी प्रकृति देखते तो कभी ये सोचते भी नहीं कि मैं कभी उठ के मॉर्निंग वॉक पे जाता रहता। पर इसके पीछे का जो मकसद है वो जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि बापू की हत्या करने के बाद वो हमको ये पूछते जरूर पूछ सकते हैं कि प्रार्थना कराया जाना का, क्योंकि बापू को तो प्रार्थना करने जा रहे थे तब मारा था ना उन्होंने, तो तब भी ये दहशत फैलाने की, पर तब वो जरूरी नहीं था, सबके सामने मारा था उन्होंने, सबको पता था। लेकिन कितनों को ये मालूम है
कि उस हत्या के 6 महीने पहले से उनकी ये उनका ये काम शुरू हो गया था। 6 महीने पहले से बापू की प्रार्थना सभाओं में संघ के लोग जाके विरोध प्रदर्शन करते थे और हर बार वो उग्र स्वरूप धारण करता था। 2 दफा बापू के ऊपर नारेबाजी करते हुए वो दौड़ के आक्रमण करके कूद पड़े थे और स्वयं सेवकों को उनको रोकना पड़ा था और बापू को वहां से हटा देना पड़ा था। ये एक षड्यंत्र का एक अवयव था, ये एक उनकी रीत थी कि इस तरह से प्रार्थना सभाओं में विरोध प्रदर्शन कर करके लोगों के मन में ये एक प्रमाणित कर दिया जाए कि दूसरी एक जनता है जिसके मन में ये गांधी की प्रार्थनाओं का रोष है। और रोष क्यों था? क्योंकि सर्वधर्म प्रार्थना होती थी जिसमें कुरान की प्रार्थना भी बोली जाती थी। बराबर जैसे ही कुरान की प्रार्थना करना शुरू किया जाता था ये विरोध प्रदर्शित किया जाता था और कहा जाता था कि दिल्ली में शरणार्थी बहुत आए हैं जिनको इसी कुरान की आयतों से जब बोल बोल के मारा गया था और इसलिए वो लोग गुस्सा हो जाते हैं। दिखाना ये था कि किसी शरणार्थी ने बापू की हत्या कर दी थी गुस्से के आवेग में और इसीलिए 20 जनवरी का जो प्रयास बापू की हत्या का किया गया उसमें मदनलाल पाहवा नाम के एक शरणार्थी के पास बम का विस्फोट करवाया गया। ये उनकी चतुरता आप देखिए हालातों को किस तरह से उपयोग करके वो लोग अपने कृत्य करवाते हैं करते थे और करवाते हैं ये बातें आपको मालूम पड़ेगी। इसमें से किस तरह से वो लोग सब नियोजित करते थे उसी तरह से 30 तारीख को नथुराम गोडसे बराबर प्रार्थना सभा में ही मौजूद हो गया था। और आपको मालूम नहीं होगा पर पहली बार जब इस हत्या के प्रयास का नियोजन किया जा रहा था तो नथुराम गोडसे के लिए एक बुर्खा खरीदा गया था। बुर्खा पहनकर वो बुर्खे के अंदर से बापू के ऊपर गोली चलाने वाला था। 30 जनवरी की सुबह जब उसने बुर्खा पहनने के बाद चलने की कोशिश की तो 2 बार बुर्खे के अंदर उसके पैर अटक जाने के कारण वो गिर पड़ा और बुर्खे के अंदर उसको अपनी जेब नहीं मिल रही थी इसलिए बंदूक निकाल नहीं पा रहा था इसलिए उसने वो बुर्खा छोड़ दिया। हत्या हुई तब नथुराम के साथी करकरे और आपटे उसके साथ ही वहां मौजूद थे और बापू की हत्या की चंद सेकंडों के बाद भीड़ में ये नारा दिया गया कि मुसलमान लगता है मुसलमान ने बापू की हत्या की है चलो मुसलमानों को मारेंगे। जब माउंटबेटन बिरला हाउस पहुंचे तो भीड़ ये नारा देते हुए बाहर निकल रही थी कि मिये ने मारा है बापू को मियो को मारना है। तब माउंटबेटन ने चिल्लाकर ये कहा था कि बेवकूफो ये क्या बात कर रहे हो वो तो हिंदू है। और माउंटबेटन के सेक्रेटरी जो उनके साथ थे उन्होंने उनको ये पूछा कि आपको कैसे मालूम हमको तो पता ही नहीं है कौन खूनी है आपने कैसे कह दिया कि किसी हिंदू ने बापू को मारा है। तो माउंटबेटन ने जवाब दिया कि गॉड फॉरबिड इफ इट इज अ मुस्लिम हु हैज किल्ड गांधी ह्यूमैनिटी विल सी अ स्लॉटर दैट इट हैज नेवर एक्सपीरियंस बिफोर। खून करने के आधे घंटे बाद पूना के अन्ना गाड़गिल जब बिरला हाउस पहुंचे और उनको कहा गया कि खूनी इस कमरे में बंद है तो उन्होंने दरवाजा खोल के जब देखा तो सबसे पहले उनके मुंह से ये बात निकली अरे नथ्या तू नी है काय तू है काय केला क्योंकि पूना में नथुराम को नथ्या करके बुलाते थे वो लोग। तब जाके लोगों को पता चला कि इस हत्यारे के बारे में अन्ना गाडगिल को मालूम है तो उनको नेहरू के पास ले गए सरदार पटेल के पास ले गए बोले इनको जानकारी है ये हत्यारा कौन है। उन्होंने कहा हाँ हमारा पूना का है सरफिरा है नथुराम गोडसे ब्राह्मण है। किसी राष्ट्रीय नेता के खून की के समाचार
आप सुनिएगा, इंदिरा गांधी के खून का समाचार जब आया, राजीव गांधी के खून का जब समाचार आया, तो अब यह कहा गया कि आज इंदिरा गांधी की हत्या कर दी गई, आज राजीव गांधी की हत्या कर दी गई। पर 30 जनवरी की शाम ऑल इंडिया रेडियो पे जब बापू की हत्या का समाचार पहले दिया गया तो इस तरह से दिया गया, अ हिंदू ब्राह्मण शॉट महात्मा गांधी दिस इवनिंग, महात्मा गांधी इज नो मोर। यानी हत्या और जिसकी हत्या हुई थी उससे ज्यादा महत्व हत्यारे और उसकी आइडेंटिटी के ऊपर डाला गया, क्योंकि वो लोग चाहते थे कि कोई शक या शुभा ना रहे उस हत्यारे की आइडेंटिटी और उसके कास्ट के बारे में, उसके धर्म के बारे में, क्योंकि साजिश यह थी कि मुसलमानों के ऊपर शक डाला जाए और मुसलमान ने यह हत्या करवाई है, ये करके मुसलमानों के खिलाफ का द्वेष भड़काया जाए, क्योंकि अब तो गांधी भी नहीं था मुसलमानों को बचाने के लिए। ये सारी चीजें आप समझिए, ये सारी चीजें आप सोचिए कि किस तरह से वो लोग ये काम करते हैं। आज भी अगर आप शोलापुर जाएंगे तो शोलापुर में, शोलापुर के लोग हैं, मैं गया था शोलापुर इसी बात टॉपिक पे बात करने के लिए, तब शोलापुर के लोगों ने आके मेरे खिलाफ प्रोटेस्ट किया था कि आपने आपकी किताब में ये क्यों नहीं लिखवाया कि हत्या के 6 महीने पहले नथुराम गोडसे शोलापुर आया था और शोलापुर में के एक डॉक्टर के पास उसने अपनी सुनता करवाई थी। शोलापुर में आज भी लोग ये कहते हैं कि नहीं, नथुराम गोडसे इधर आया और उसने अपनी सुनता करवाई। मैंने कहा कि ऐसा कोई प्रमाण मुझे मेरे इन्वेस्टिगेशन में मिला नहीं है, नथुराम गोडसे के मेडिकल रिपोर्ट में भी कहीं पर भी ये लिखा नहीं गया है कि उसकी सुनता की गई है। इसलिए जो तथ्य मुझे मिले नहीं है, जो सबूत मुझे नहीं मिले, उसके बारे में मैंने कुछ लिखा नहीं है मेरी किताब में। लेकिन शोलापुर के निवासी आज भी ये मानते हैं, वो आप अगर वहां जाएंगे तो उस डॉक्टर की क्लिनिक तक को आपको दिखाएंगे कि यहां उनकी क्लिनिक थी और इसी क्लिनिक में नथुराम गोडसे की सुनता करवाई थी। यानी प्रेपरेशन किस तरह से करवाया गया ये समझना बहुत जरूरी। वो कितना काम करते हैं हत्या करवाने के बारे में, उनका सिर्फ ये नक्शा मंसूबा नहीं होता कि विक्टिम मिल जाए और उसको गोली मार दे, उसके पीछे उनका प्रेपरेशन बहुत ही गहराई तक जाता है। एक पूरा माहौल तैयार करते हैं किस तरह से उस हत्या को अंजाम दे सके, किस तरह से उस हत्या को प्रमाणित कर सके, किस तरीके से उस हत्या को करें ताकि मैक्सिमम उलझन पैदा कर सके वो लोग, इसकी कोशिश उनकी होती है। और हमेशा वो कामयाब रहे, हमेशा हर चीज में हर वक्त वो कामयाब रहे। एक बात बापू की हत्या के बाद आई, बापू की हत्या के बारे में एक सबसे बड़ी कमजोरी, बापू की हत्या के इन्वेस्टिगेशन के बारे में अगर एक सबसे बड़ी कमजोरी कोई रही हो तो जिस बंदूक से नथुराम ने बापू की हत्या की, वो बंदूक नथुराम के हाथ में कैसे आई उसके बारे में कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं किया गया। चार्जशीट जब फाइल की गई थी तो उसमें 3 और आरोपियों के नाम थे और उन आरोपियों के बारे में ये कहा गया था कोर्ट से कि वो फरार है, वो फरार हो गए। पूरा ट्रायल चलने तक वो फरार रहे। नथुराम गोडसे और आप्टे को फांसी देने के 3 दिन बाद वो सारे के सारे आरोपी ग्वालियर से मिले पुलिस को। उन्होंने कोर्ट को बताया कि ये 3 आरोपी तो हमको मिल गए हैं पर अब तो मुकदमा भी हो गया और जो एक्यूज थे, जो कन्विक्ट हुए थे, उनको सजा भी दी गई है और हमें नहीं लगता कि ये आरोपी कोई महत्व रखते हैं, इसलिए अब इनको प्रोसिक्यूट करने की कोई जरूरत हमें नहीं लगती। वो 3 के 3 आरोपी वो थे जिन्होंने 2 दिन हत्या के 2 दिन पहले नथुराम गोडसे को वो वेपन दिलवाया था, उनका हाथ था उसमें। और वो इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं करवाया गया था, क्योंकि वो वेपन भी नथुराम गोडसे को सावरकरवादी ने दिलवाया,
परचुरे जो था वो सावरकर का परम भक्त था। परचुरे और नथुराम के बीच अनबन थी। जब नथुराम 27 तारीख की रात को परचुरे के घर पहुंचा तो परचुरे ने उसको गाली देके निकाल दिया कि तुम मेरे घर पे क्यों आए, तुम्हारा और मेरा क्या वास्ता, तुम निकल जाओ यहां से। तब नथुराम ने उनको कहा था कि तात्या रावांच्या आदेशावर आलोय, और तब जाके परचुरे के कारण उसको वो हथियार प्राप्त हुआ था। अब आप सोचिए कि क्यों किसी भी वारदात में, किसी खून की वारदात में, किसी अतिरेक की वारदात में इन्वेस्टिगेशन उस हद तक जाता है, ना सिर्फ शस्त्र अस्त्र कहां से मिले लेकिन वो शस्त्र अस्त्र मिलाने के लिए पैसा कहां से आया उसका भी सोर्स इन्वेस्टिगेट किया जाता है। गांधी की हत्या में ये नहीं किया गया, क्यों नहीं किया गया? 70 साल हुए हैं इस बात पे प्रश्न चिन्ह उतना ही, और अभी जो याचिका दर्ज की गई थी सुप्रीम कोर्ट में उसमें यह नहीं बताया गया कि बापू को मारने का हथियार कहां से प्राप्त हुआ, उसका इन्वेस्टिगेशन नहीं हुआ इसलिए वो इन्वेस्टिगेट करवाओ, चौथी गोली निकाल के ले आए बोलो कि किसी ने चौथी गोली मारी थी, कोई और हथियारा था। बेचारा नथुराम, उसने तो 3 फूल बरसाए थे बापू की छाती पर, गोली तो कोई और चला गया। ये देखिए कितना गहरा मंसूबा होता है, 70 साल के बाद भी दुष्प्रचार खत्म नहीं हो रहा है, और वो इसीलिए हो रहा है कि कभी कोई सत्य की तरफ पहुंच ना सके, सत्य के तक पहुंच ना सके। और कपूर कमीशन का रिपोर्ट एक ही वैसी बात है जो उनके सत्य को उजागर कर सकती है, उनके कपट का पर्दाफाश कर सकती है। ये सारे जो खून अब हुए हैं उसमें भी यही कोशिश है, इसीलिए 6 साल के बाद भी आज आश्वासन ये दिया जाता है कि वक्त लगता है, ये सारी प्रक्रिया में वक्त लगता है। कुछ जो होते हैं वो आसान होते हैं सुलझाने के लिए, कुछ जटिल होते हैं, इसलिए दबाव नहीं डालना चाहिए। निश्चिंत होकर बैठे रहो, आपको नहीं तो आपके पोतों को तो पता चल ही जाएगा अगर उनका नसीब होगा तो, और तब तक और कई विचारों की हत्या भी हम करते रहेंगे निश्चिंत होकर, क्योंकि हमें तो कोई पकड़ नहीं सकता, हमें तो कोई छू नहीं सकता। ये बात समझना बहुत जरूरी है, हत्या होगी जब तक ये हत्यारी विचार शैली हमारे बीच में है, जब तक हत्या और हिंसा का समर्थन करने वाला एक तबका हमारे समाज में रहता है तब तक हत्याएं होंगी, हिंसा भी होती रहेगी, हम रोक नहीं पाएंगे। हम रोक तभी पाएंगे जब हम उसके खिलाफ उठ खड़े हो जाएंगे और प्रशासन को मजबूर कर देंगे कि नहीं, हम कानून हमारे हाथ में लेते नहीं है, इसका मतलब ये नहीं होता कि हमारे में अंदर वो क्षमता नहीं है, पर हम संविधान को मानते हैं, हम कानून को मानते हैं, इसलिए कानून के रास्ते से ही हम इसके बारे में तहकीकात करवा के सजा दिलवाने की कोशिश करेंगे और करते रहेंगे। हम थकेंगे नहीं, हम झुकेंगे नहीं, हम मिटेंगे नहीं। ये बहुत कठिन पथ है, बहुत कठिन रास्ता है, कठिन मार्ग है, पर चलना होगा हमें इसके ऊपर। अगर हमारे समाज को बचा के रखना है, अगर हमारे मुल्क को बचा के रखना है, हमारे देश को, हमारी परंपराओं को मान बचा के रखना है, और जिस चीज को हम मानते हैं उसे सक्षम करते रहना है, तो हमें ये रास्ता अपनाना पड़ेगा। हमें इस खूनी दमनकारी विचारधारा का प्रतिकार करना ही पड़ेगा, ये जरूरी है, और यही प्रेरणा ये सारे शहीद हमको देते जा रहे हैं। आप देखिए दाभोलकर को मारा, आज भी बंदूक कहां से आई ये पता चला क्योंकि कर्नाटक की पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन किया था। अब कर्नाटक की पुलिस भी इन्वेस्टिगेशन नहीं करेगी क्योंकि पॉलिटिकल प्रेशर होता है। जब पॉलिटिकल प्रेशर नहीं था तो कर्नाटक की पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन किया और उसके चलते हमें इतनी सारी बातें मालूम पड़ी। अब वहां सरकार बदल गई, अब वहां पर भी इन्वेस्टिगेशन नहीं होगा। अब उनके लिए ये आसान हो गया है कि और ज्यादा इसको बिखेर दिया जाए, इसके ऊपर पर्दा डाल दिया जाए, इसको ढक दिया जाए।
बंदूक कहां से आई, एक ही बंदूक से सब किया गया, लेकिन बंदूक इतनी जगहों पे इतनी आसानी से गई कैसे, कौन ले गया उसे, कहां से वो बंदूक आई, वो बंदूक इतनी क्षमता से चलाने की ट्रेनिंग कहां से दी गई। मैं बार बार बापू की हत्या पर जाता हूं, लेकिन कपूर कमीशन के इन्वेस्टिगेशन में ये बात भी आई थी कि हत्या के 3 महीने पहले एक सिपाही को पैसा देकर 5 युवकों को बंदूक से मारने की ट्रेनिंग दिलाने की उसके कैंप ग्वालियर के जंगलों में रखा गया। जब 20 जनवरी की बॉम्ब का अटैक हुआ बापू के ऊपर और उसमें मदन लाल पाहवा को पकड़े जाने की खबर आई, तो वो जो था आदमी वो जेल में बंद था क्योंकि वो चोरी करता था, घर में डकैती करने के जुर्म में वो जेल में था। जब उसको ये खबर मिली तो उसने अपने जेलर से कहा कि जिस पुलिस ऑफिसर ने मुझे गिरफ्तार किया था उससे मुझे मिलवा दो, मुझे उससे जरूरी बात करनी है। पर जेलर ने समझा कि ये बेवकूफ बना रहा है, कुछ अपनी सहूलियतें निकालने के लिए बात करता होगा, इसलिए उसने बात नहीं करवाई। जब 30 तारीख को बापू की हत्या की खबर उस कैदी तक पहुंची तो उसने जेल में अनशन किया कि मैं अनशन करूंगा क्योंकि मैं बापू की जान बचा नहीं सका। तब जाके पुलिस वालों को लगा कि ये क्या बात है, ये मीरठ की जेल में कोई क्यों ये कर रहा है, अनशन कर रहा है। तो उस पुलिस अधिकारी को बोला कि तुम जाके मिलो उससे और बात करो क्या है। तो उसने कहा कि मैं 20 जनवरी से आपसे कहना चाह रहा था क्योंकि मदन लाल पाहवा और मैं पाकिस्तान के, अब जो पाकिस्तान हुआ है मॉन्टगोमरी इलाका जो है उसके गांव के रहने वाले थे और एक साथ वहां से भागकर हिंदुस्तान आए थे। और 3 महीने पहले मदन लाल पाहवा ने फिर से मुझे कांटेक्ट करके मुझे कहा था कि तुमको हथियार चलाने की रीत मालूम है, तुम बहुत निशानेबाज हो, तो मेरे कुछ लोगों का एक दल है उसे ट्रेनिंग देनी है, तो वो ट्रेनिंग देने का काम तुम करो। और मैंने वो काम किया था और 5 दिन तक वो जो युवा थे उनको मैंने ट्रेनिंग दी थी ग्वालियर में। ये देखिए ये किस तरह से ये सब होता जा रहा था, ट्रेनिंग भी दी गई, शस्त्र भी दिए गए, पैसे भी दिए गए। दाभोलकर की हत्या को देखिए किस तरह से एक एक लिंक, शस्त्र की बात आती है तो वसई से निकलती है बात, पूना से कुछ और बात निकलती है, गोवा से कुछ और बात निकलती है, सब जगह से हर जगह से अलग अलग बातें करती है। लेकिन वो बंदूक चारों ठिकानों पर वो बंदूक भी पहुंच जाती, ये कितनी साम्यताएं हैं वो समझते जाइए आप, तब जाके आपको मालूम पड़ेगा कि हम किस दौर में जिंदा हैं, किस तरह से हमें भरमाया जा रहा है, किस तरीके से हमारा फायदा उठाया जा रहा है, कि सारी घटनाएं हमारे बीच में से बनती जाती है और हमको उसकी महक तक नहीं आती, बदबू तक नहीं आती, हमें पता भी नहीं चलता और वो अपना काम करके हमारे बीचों बीच वो काम करते। बापू की हत्या की तब वहां कम से कम 500 से 600 लोगों की भीड़ थी, जमावटा था वहां पर, सारे के सारे संघी नहीं थे, सारे के सारे हत्यारे भी नहीं थे, सारे के सारे बापू के भक्त थे जो बापू की भक्ति से वहां आते थे हर रोज शाम को प्रार्थना में सहभागी होने के लिए। उनके बीच में बैठकर, उनके बीच में खड़ा होकर, उनके बीच में डरे बगैर वो हत्या को अंजाम दिया गया। और दो हत्यारों के दो दोस्त वहां से आराम से भाग निकल गए थे, हत्यारा हत्या करने के साथ ही पकड़ा गया, इसलिए पकड़ा गया वरना वो भी निकल जाता था। जैसे दाभोलकर के हत्या में पानसरे कलबुर्गी की हत्या में भाग गए थे, गौरी लंकेश की हत्या में भाग गए थे, समाज के अंदर समाज के मध्य में रह के वो लोग अपना कृत्य कर जाते, हमें भनक भी नहीं आती। हमारे पड़ोसी
कि घर में शस्त्रों का सरंजाम हो हमें भनक भी नहीं आती। और जब उनके ऊपर इन्वेस्टिगेशन करने का वक्त आता है तो हजारों की संख्या में उनके ही समर्थक उमड़ पड़ते हैं ये दिखाने के लिए कि नहीं नहीं पूरे जनता का उनको समर्थन है। वैसे ही मैं आपने देखा था ना कि जब वो जिसके पास से हथियार और गोला बारूद बरामद हुए थे उसको पकड़ने गए तो 5,000 लोगों का टोला समर्थन में निकल आया। ये ब्रेन वॉश्ड भेड़ बकरियां हैं, वो भी हमारे अंदर ही रहती है, हमारे बीचों बीच ही रहती है और उन्हीं के द्वारा ये कृत्य सक्सेसफुल किया जाते हैं। हमें भनक तक नहीं आती, वो हो जाने के बाद हम विभाग हो जाते हैं कि अरे ये कैसे हो गया, ये हो रहा था हमारे बीच में ही हो रहा था। ये इसलिए हमें चौंका देता है क्योंकि हमने विचार करने की हमारी क्षमता छोड़ दी है, हमने लिंक एस्टैब्लिश करने की जो हमारे पास तर्क की शक्ति है वो तर्क की शक्ति हम भूल गए। कोई आके हमें बता जाए तो हम समझ जाएंगे, वरना हम हमारे विचार शक्ति से ये समझ अपने आप में नहीं ला रहे। और इसीलिए वैसे जो बहुत कटिबद्ध है, कट्टर है और संगठित है वो लोग कामयाब होते जा रहे हैं। हमें तो संगठित होने के लिए प्रयास करना पड़ता है, 5-6 संस्थाओं को मिलाकर एक कार्यक्रम कर दे तो हम हमारी पीठ थपथपाने लगते हैं कि देखो हमने 6 संस्थाओं को मिलाकर एक कार्यक्रम कर दिखाया। 6 की 6 संस्थाएं एक ही विचारधारा की थी ना, तो संगठित करने को प्रयास क्यों करना पड़ता है? क्योंकि हम प्रतिकूल वातावरण में ही संगठित होते हैं, वरना हम हमारे अलग अलग रास्तों पर चलने में अपना गर्व समझते हैं। बापू की हत्या भी उसी के कारण हुई थी, क्योंकि जानते थे कि एक गट है लोगों का, वो दूसरे गट के साथ बात नहीं करता होगा, वरना कपूर कमीशन बनने के का कारण ही वो था कि पूना से 2 कांग्रेसियों ने ये लिखा था कि हमें तो जानकारी थी, हमने तो सरकार को भी बताया था कि बापू की हत्या होने वाली है और पूना से ही होंगी, मारे करी पूना में के ही है और पूना में ही षड्यंत्र रचा गया, पर सरकार ने हमारा सुना नहीं। आज भी वैसे कहने वाले लोग कि हम जानते थे ये वो होने वाला है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं करता। जानते थे तो ठीक है, सरकार ने नहीं माना तो जिनका खून हुआ उनको तो बचाने की कोशिश की जा सकती थी, पर हम उतने संगठित नहीं हैं। हमारा एक्टिविज्म भी वॉलंटरी है कि जब अनुकूल होगा तो एक्टिविज्म करेंगे, अनुकूल नहीं होगा तो ठीक है हमारे सामान्य जीवन में हम चले जाएंगे। वो लोग ऐसे 2 कंपार्टमेंट नहीं करते, वो 24/7 कट्टर रहते हैं और अपनी कट्टरता के लिए खून बहाने से झिझकते नहीं। ये हमें भी सीखना पड़ेगा अगर हमारे समाज को की दुर्गति रोकनी है हमें, तो हमें यह समझना बहुत जरूरी है। हमें भी इस तरीके से संगठित होना पड़ेगा जैसे सैन्य होता है, जैसे सिपाही होते हैं, वैसे हमें कार्य करना पड़ेगा। कितनी सारी साम्यताएं हैं जिसकी बात मैं करता ही जा सकता हूं। बंदूक की मैंने बात की, बंदूक की कहानी, जो बंदूक से बापू की हत्या की गई थी उस बंदूक की कहानी बहुत दिलचस्प है। दूसरे विश्व युद्ध के पहले इटली में मसोलिनी का राज था, फासिस्ट मसोलिनी का राज था। जब दूसरे विश्व युद्ध की बातें शुरू हुई और यह तय हो गया कि दूसरा विश्व युद्ध होगा और जर्मनी और इटली की फासिस्ट विचारधाराएं एक होकर युद्ध करेगी, तो मुसोलिनी ने आर्मी में अपने जो फैसिस्ट लोग थे उनका स्प्रेड करने लगे। वो जैसे आज हो रहा है, आज यहां संघ, अभी कभी उन्होंने कहा ना कि मिलिट्री स्कूल बनाने वाले हैं वो लोग। आप सोचिएगा
इसका नतीजा क्या होगा ये आप सोचिएगा। एक विचारधारा के लोग शास्त्रीय ट्रेनिंग लेके, मारने की ट्रेनिंग लेके इस देश के रखवालों का दंभ करेंगे। वही बात मुसोलिनी ने इटालियन आर्मी में की। बेरेटा नाम की एक कंपनी है जो आज भी बंदूकें बनाती है, उन्होंने एक स्पेशल बंदूक पिस्तौल बनवाई, 9mm ऑटोमेटिक पिस्तौल, जो मुसोलिनी के जो मिलिट्री ऑफिसर्स थे, जो उसकी फैसिस्ट पार्टी के सदस्य भी थे, उनको इश्यू की गई। आज भी जो हथियारों का इतिहास के इतिहासकार है और जो कलेक्ट करते हैं इतिहास, वो लोग इस हथियार को, इस बंदूक को फैसिस्ट स्पेशल के नाम से बुलाते हैं। बापू की हत्या करने की विचारधारा भी फैसिस्ट, वो हथियार भी फैसिस्ट स्पेशल। वो हथियार मुसोलिनी की आर्मी का एक फैसिस्ट ऑफिसर लेकर एबिसिनिया, जो इथियोपिया का एक भाग है, उसके ऊपर जब मुसोलिनी के सैन्य ने चढ़ाई की तो उसका उसकी आगेवानी वो अफसर कर रहा था। एबिसिनिया में ब्रिटिश साम्राज्य की तरफ से ग्वालियर राज्य का सैन्य दल लड़ाई में उतरा था। ग्वालियर के नरेश ने अपना सैन्य ब्रिटिश राज्यकर्ताओं के साथ जोड़कर दूसरे विश्व युद्ध में सहभाग किया था, और उस दल का जो कमांडर था उसने इटली की मुसोलिनी की उस फौज को एबिसिनिया में हराया, और इटली मुसोलिनी की फौज ने उसके पास शरणागति की, और शरणागति का एक रिवाज होता है कि जो हारा हुआ सेनापति होता है वो जीते हुए सेनापति को अपना शस्त्र प्रदान करता है अपनी शरणागति के प्रतीक रूप। तो वो फैसिस्ट स्पेशल गन ग्वालियर के फौज के सेनापति को दी गई शरणागति के सुविनियर के रूप में एक मिलती है। वैसे युद्ध में उसके जीत की वो ट्रॉफी थी। बहुत वक्त हो गया, भूल जाओ, छोड़ दो। सत्य समय बाधित नहीं होता है, सत्य बोलना ही चाहिए। सत्य जब तक लोगों को समझाया ना जा सके तब तक हमें चिल्ला चिल्ला के बोलना पड़ेगा, और आज जैसे वक्त में वो बहुत जरूरी हो जाता है। कितनों को मालूम है कि पार्टीशन के मुद्दे पर सहमति बापू की गैर हाजिरी में की गई थी, बापू से कोई विचार विमर्श किया नहीं गया था उसके बारे में। इसके बारे में बापू ने खुद ने कल्पांत किया है कि मुझे पूछा क्यों नहीं गया, तो कहा गया कि तुम तो नवाखली और बिहार में दंगे बंद करवाने में व्यस्त थे, हम आपसे बात कैसे कर सकते थे। और फिर भी पार्टीशन का बलि बना बापू, और आज भी उसको बलि बनाया जा रहा है। आज भी लोगों को यह लगता है कि पार्टीशन तो बापू के कारण ही हुआ। हाँ, एक उनकी समझ में एक ताकत है, क्योंकि उस समझ के पीछे भी उनके मन में जो धारणा है कि गांधी ऐसा चमत्कारी बाबा था कि चाहता तो पार्टीशन रुकवा सकता था, क्योंकि महात्मा था ना, और हमारे तो सारे महात्मा अवतार पुरुष होते हैं, तो अवतारी था तो वो तो चमत्कार कर सकता था। हम ये भूल गए हैं कि वो एक सामान्य व्यक्ति था, उसकी क्षमताएं भी सामान्य थी, और वो महान इसलिए है कि अपनी क्षमताओं के बाहर आके उसने कार्य करके दिखाए अपने आप हमको। वो हमारा प्रेरणा, हमारी प्रेरणा होनी चाहिए। वो जो मोहनदास महात्मा बना वो हमारी प्रेरणा है। वो जो दाभोलकर जो इतना बड़ा समाज सुधारक बना वो हमारी प्रेरणा होनी चाहिए। वो सारे के सारे इसलिए हमारे प्रेरणा मूर्ति है कि सामान्य व्यक्ति हुए होते हुए उन्होंने असामान्य कार्य करके दिखाए। पर ये हमारी भक्ति में भी हम ये भूल जाते हैं, और हम ये वैसा करना नहीं चाहते इसलिए उनको दिव्यता दे देते हैं, महात्मा बना देते हैं।
हाँ भाई वो तो महात्मा थे, वो ऊंची, देखिए हर प्रतिमा 6 फुट के स्टैंड पे होती है, मेरे को तो ऐसे करके देखना पड़ता है उनको। मैंने मेरे जिंदगी का मकसद बना दिया है कि बापू को महात्मा की हिरासत से मुक्त करवाऊं। बापू के पीछे रहे हुए मोहनदास का दर्शन आप सबको करवाऊं, ताकि जब आईने के, आत्मा के आईने में आप देखोगे अपने आप को, तो कहीं आपकी आपको अपनी आत्मा में भी मोहनदास का कुछ स्वरूप दिखाई देगा। और ये शक्ति और ये प्रेरणा आएगी कि अगर वो मोहनदास अपनी जिंदगी में कुछ कर पाया था, तो हम भी अपनी जिंदगी में भले उस मकाम तक ना पहुंचे, लेकिन आज है वहां से तो बेहतर मकाम पर जरूर पहुंच सकेंगे, और साथ साथ हमारे समाज को भी आगे लेके जा सकेंगे। ये बातें हमें समझनी पड़ेगी, वरना हमारी भक्ति भी खोखली हो जाएगी। क्योंकि सबसे सच्ची भक्ति अनुकरण की होती है। वो हत्यारी संस्कृति के भक्त तो अनुकरण बहुत खूब से बखूबी करते हैं, वो खूनी परंपरा के भक्त जो है वो तो अनुकरण बखूबी करते हैं। हमें भी वैसा अनुकरण करना पड़ेगा हमारे प्रेरणा मूर्तियों का, तब जाके हमारा विचार सक्षम होगा, तब जाके हमारे विचार में भी तत्वों का फौलाद आएगा, और तब जाके हम उनको हरा सकेंगे उनके मंसूबों में, वरना हम लाचार बने रह जाएंगे। और जो लाचार बन जाते हैं वो गुलाम बन जाते हैं। गुलाम बनने के लिए कोई बाहरी शक्तियों का की जरूरत नहीं होती है, हम हमारी कमजोरियों के ही गुलाम बन जाते हैं, और उस गुलामी में से हमें कोई आजादी नहीं दिलवा सकता, फिर चाहे सैकड़ों दाभोल कर क्यों ना आ जाए, वो हमें मुक्ति नहीं दिलवा पाए। जो आज जो अंधश्रद्धा है, वो जो हमारे दिलों में घर कर गई हुई अंधश्रद्धा है कि हम कमजोर हैं, हम नहीं कर सकते, हमसे कोई फर्क नहीं पड़ सकता, ये जो हमने अपने आप को समझा के रखा है, उस समझ से हमें मुक्ति लेनी पड़ेगी, तब जाके सही मायने में हम अंधश्रद्धा से मुक्त होंगे। ये सारी बातें हमें सोचनी पड़ेगी, क्योंकि हमारी भक्ति के ऊपर आज खतरा है, हमारे विचार के ऊपर आज खतरा है, हमारी समझ के ऊपर आज खतरा है, हमारे आचरण के ऊपर खतरा है। और ये बंद हॉलों में से बाहर लाके गली नुक्कड़ चौराहों पे खड़े होकर ये चिल्लाना होगा हमें, इसके उदाहरण हमें देने पड़ेंगे, जिस तरह से वो लोग करते हैं हमें भी चाय पे चर्चा करनी पड़ेगी, पर हमारी विचारों की चर्चा, हमारी श्रद्धा की चर्चा, हमारी फिलॉसफी की चर्चा, तभी जाके हम सफल होंगे, तभी जाके सही मायने में हम उन आदर्श मूर्ति के फॉलोअर हैं ये तय कर पाएंगे, साबित कर पाएंगे। ये साबित हमें किसी और के लिए नहीं करना है, ये हमें अपने आप को साबित करके दिखाना है कि हम सच्चे भक्त, वरना खून होते रहेंगे, आकार ढलते रहेंगे, लाशें बिछती रहेंगी, और किस दिन अपने नाम की गोली अपनी तरफ आएगी अपने को पता भी नहीं चलेगा। धन्यवाद।